कायरियान की, और ये शायद फिनिश ऑफ। ओके, पूरी स्क्वाड फिनिश कर दी है भाई ने क्रॉसबो से। यार कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा हो, नहीं तो फिर खेल तो सब है, क्या ही फायदा है। Okay, let's try something different. So, hey guys, आपका फिर से स्वागत है एक और कस्टम मैच में, जो कि डेली बनते ही हैं। आप लोग को ऐसे मालूम ही होगा, अगर नहीं मालूम है तो देख लो, डेली कस्टम मैचेस बनते हैं। अगर आप लोग भी चाहते हो ये मैं कस्टम मैच ज्वाइन करना, तो बस कुछ करना ही नहीं है। आप सीधे यहाँ पे, आपको स्क्रीन पे मेरी इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, तो वहाँ आप मुझे मैसेज कर दीजिए, तो वहाँ आपको आईडी पासवर्ड भेज दूँगा। और इसकी एंट्री फीस जो बिल्कुल फ्री है, और अगर आप इसमें कोई भी प्लेयर अगर 15 किल्स करता है, एटलीस्ट 15 किल्स, तो उसको 50 रुपीज़ कैश प्राइज ही मिलेगा। सो गाइज, अपनी स्क्वाड को लेके आओ यहाँ पे, और मस्त मस्त खेलो और मज़े करो, क्योंकि एंट्री फीस तो कोई है नहीं और प्राइज तो मिल ही रहा है, तो क्या ही जा रहा है। तो सब लोग आओ और खेलो आके अपनी स्क्वाड्स लेके। अगर चाहते हो कि TDM मैच आपस में खेलना, तो नीचे कमेंट सेक्शन बता देना, तो हम लोग आपस में TDM मैच भी खेलेंगे। तो आओ इस रूम मैच में और इन्जॉय करो आगे। जैसे कि देख रहा हूँ काफ़ी टीम्स आज आ गई हैं, तो आज मतलब खूब मज़ा आने वाली है इस कस्टम मैच में। तो देखना होगा कौन सी टीम्स कहाँ पे जाती हैं, कौन से एरिया पे भीड़ होने वाली है। चलिए देखते हैं मैच चालू होने वाला है। जैसे कि देख लो, अगर आप जितने लोग खेल रहे हैं, अगर आपका कोई टीममेट बिछड़ गया हो, तो देख लो किस टीम में गया है वो। एक बार मैं आपको सारे टीम्स के दिखा दे रहा हूँ। ऐसे पांच आज का जो है वो मिलिट्री बेस से शूटिंग रेंज तक जा रहा है, तो काफ़ी हॉट ड्रॉप्स बीच में पड़ रहे हैं। देखना पड़ेगा कि कौन कौन बंदे, कौन कौन सी टीम हॉट ड्रॉप लेती है। जैसे कुछ टीम्स अब जंप भी कर चुकी हैं, जैसे मिलिट्री काफ़ी टीम्स जंप कर दी हैं, बहुत ही ज़्यादा ही टीम्स लग रही हैं मिलिट्री पर। तो ये देखिए एकदम भीड़ से जनता ने एक तरफ भाग जाती है बिल्कुल, वैसे जैसे मिलिट्री में भंडारा चल रहा है, ऐसे सब भाग गए हैं। अभी थोड़ा पास से देखेंगे, तब देखेंगे कौन सी बिल्डिंग जा रहा है, कौन ऑफिस जा रहा है, बाकी सब पता चलेगा। जैसे ये देखिए, ये एक टीम, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, दस टीम, हाँ दस टीम से मतलब दस टीम उतरी है यहाँ पर। और ये वैनम क्लैन के प्लेयर्स ने किल करना भी चालू कर दिया, नॉक कर दिए दो बंदे, वैनम HD और वैनम सगन ने। सगन ने एक और किल भी कर दिया है, कंफर्म कर लिया अपना किल। अब देखना होगा कि इस मिलिट्री को कौन कॉन्कर कर पाता है, टेन टेन टीम्स में से कौन सी टीम यहाँ से निकलती है बच के। एक प्लेयर और नॉक हो गया HD के हाथों। आज वैनम क्लैन अच्छे फॉर्म में लग रही है, लेकिन वैनम सगन को नॉक कर दिया गया है और फिनिश भी कर दिया गया है। मतलब एक प्लेयर यहाँ पर इनका जा चुका है, अभी बचे 3 मैन स्क्वाड। और यहाँ वैनम स्टार को मिली है क्रॉसबो। देखो लूट लूट की तो यहाँ पे रहने वाली कमी है। यहाँ पे 20 नंबर 20 ने भी टीम नंबर 5 के एक प्लेयर को किल कर दिया है, फिनिश कर दिया है। यहाँ पे किसी भी दिक्कत की हेलमेट नहीं, लेकिन HD को नंबर लेवल 3 का हेलमेट मिल चुका है। और यहाँ पे एक प्लेयर लेटा हुआ है, शायद मालूम नहीं है कॉमिक को, और यहाँ पे नॉक कर दिया है टीम नंबर 15 के एक प्लेयर ने। बिल्कुल तगड़ा कैंप कर गया था रूफ पे, मिलिट्री बेस की बिल्डिंग पे, और फिनिश भी कंफर्म करेंगे। जी हाँ, कस्टम रूम में यही तो है कि कंफर्म करने का आपको पॉइंट मिलता है। और यहाँ पे HD भी आ गए देखने के लिए कि अभी कौन बंदा मारा उनके दोस्त को, और ये भी नॉक हो गए कैंपिंग के हाथों। और देख रहा हूँ नंबर 15 के प्लेयर लौटता पे हेलमेट भी नहीं था, उसने लेवल 3 हेलमेट पहने हुए बंदे को गिरा दिया। ये काफ़ी अच्छी मतलब स्किल्स दिख रही हैं यहाँ पे। देखना पड़े हम कोचिनकी में भी काफ़ी बंदे उतरे हैं, जॉर्ज पुल में दो स्क्वाड गई हैं, और लास्ट प्लेयर रिमेनिंग है वैनम स्टार्क, वो भी शायद फिनिश हो चुके हैं। हाँ फिनिश हो गए हैं। और ये लेवल टीम 11 के रवीश ठाकुर, ये अभी घास में कैंप कर रहे हैं, जहाँ कर रहे हैं कोई बंदा बिल्डिंग बाहर कूद दे तो उसको गिरा दें। कोचिनकी में भी लड़ाई चल रही है लग रहा है इस वक्त यहाँ पे, लेकिन शॉट्स लेने की कोशिश होगी क्योंकि सामने वाले कमरे में ही इनके सामने। तो ये पूछे आपको चल के चलते हैं वहाँ, देख लेते हैं क्या सिस्टम बन रहा है। यहाँ पे टीम नंबर 6 ने एक बंदे को नॉक कर दिया है, टीम नंबर 8 के,
और दोनों बंदों को फिनिश लॉक करके फिनिश करेंगे। हाँ जी हाँ, फिनिश कर दिया है योलो रिबेल, योलो रिबेल ने फिनिश कर दिया टीम नंबर 8 के दो प्लेयर्स को। टीम नंबर 2 भी है यहीं पे पोजेंटी में, और टीम नंबर 12 का भी एक प्लेयर है। और टीम नंबर 8 की फुल स्क्वाड है यहाँ पे। अब देखना होगा कि किसकी फाइट फिर से होती है, क्योंकि टीम नंबर 2 की फाइट हो सकती है 8 के बंदों से, क्योंकि लोग काफ़ी पास में हैं। और यहाँ पे फिनिश भी कर दिया है वाह, टीम नंबर 8 के रोगोडेक्स लेजेंड ने टीम नंबर 6 को फिनिश, टीम नंबर 2 को फिनिश ऑफ कर दिया है। यहाँ पे रवीश ठाकुर कैंप कर गए कमरों में, M24 विदाउट स्कोप इन पे है भी, और दूसरी गन स्कारर हेडशॉट लेने की कोशिश में है। देखना होगा कि क्या होता है, हेलमेट इन पे भी नहीं है। और लेवल नंबर 3, टी नंबर 3 टावर पे चढ़ी हुई है एजेंट माही, टावर पे दौड़ना है। इनके पास अच्छी खासी लूट लग रही है, AKM और M16A4 है, शायद बंदे स्पॉट करने की कोशिश है यहाँ से टावर के ऊपर से। अब वो देखना पड़ेगा कि खुद स्पॉट होते हैं कि बंदे स्पॉट करके फिनिश करते हैं, वो तो हम लोग को थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। इसलिए लोग गाड़ी की तरफ शायद जा रहे हैं, हाँ US की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से निकलने की कोशिश है, जो कि सही चीज़ है, क्योंकि अभी थोड़ा होल्ड करने की, क्योंकि प्लेस प्लेस अच्छी मिल जाए तो सही रहेगा, क्योंकि किल्स तो मिल सकते हैं बाद में भी। और यहाँ पे लेजी डे की बात की जाए तो ये अकेले हैं, सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलते हैं, ये पिछले मैच में ही सोलो वर्सेस स्क्वाड पे थे। और टीम नंबर 22 अपना जॉर्ज पोल सिटी घूम रही है, मस्त लूट मचा रही है यहाँ पे। इनकी सिंपल स्ट्रेटजी रहती है कि ये पूरी पहले लूट करते हैं तब लड़ते हैं, जो कि सही चीज़ है, लूट हो तो क्या है, फिर लड़ाई फिर जीती जा सकती है। और दूसरी टीम, टीम नंबर 19, ये जॉर्ज पुल कंटेनर्स लूट रहे हैं, इनकी लूट शायद हो चुकी है, अब ये निकल रहे हैं यहाँ से। अब देखना पड़ेगा क्योंकि अभी मिलिट्री में अभी भी काफ़ी टीम्स बची हुई हैं। टीम नंबर 20 के एस निंजा, ये अभी मिलिट्री में टहल रहे हैं, इनके तीनों बंदे खत्म हो चुके हैं, ये लास्ट रिमेनिंग प्लेयर है अपनी टीम के। और ये एक प्लेयर ख़त्म किया गया है, टीम नंबर 5 के आता हूँ। और ये टीम नंबर 3 को US मिल चुकी है, अब ये US देखते हैं कहाँ जाते हैं। और ये हमारे लेजी डे कार छोड़ के पानी में कूद चुके हैं, पूरी स्विमिंग प्रैक्टिस चालू है इनकी। अगर इनके आप मूवमेंट्स पे थोड़ा ध्यान देंगे अंदर चल के, ये देखिए प्रोफेशनल स्विमर बन सकते हैं ये, पूरी स्ट्रैटी पूरी इनके पास स्ट्रैटेजी है कैंपिंग करने की। और यहाँ पर क्या, ये लेवल टी नंबर 3 वापस आ गई और फाइट ले रही है टी नंबर 5 से, और एक बंदा नॉक हो चुका है टी नंबर 3 का, और नेट से उनने भी नॉक कर दिया एक प्लेयर को। और ये क्या था, ये क्रॉसबो से नॉक कर दिया स्काई रेहान ने, क्या बात भाई, कैम आप इसका कॉन्फिडेंस देख रहे हैं बंदे का, AKM के खिलाफ क्रॉसबो यूज़ किया है बंदे ने स्कारल होते हुए भी, इसे कहते हैं प्रो लेवल स्किल्स। क्या ही एम होगा बंदे का, मतलब देख रहे हैं क्लोज रेंज में क्रॉसबो यूज़ किया है। और अब देखना होगा कि बाकी दो बंदे अपना बदला ले पाते हैं कि नहीं, क्योंकि उनके भी दो हैं, इनके भी दो हैं, क्योंकि उनका एक नॉक पड़ा हुआ है टीम नंबर 5 का। ये बिना विदाउट हेलमेट रेस्ट करने की कोशिश में है टीम नंबर 3 के प्लेयर, और ये भी क्रॉसबो से नॉक, भाई ओपी स्किल्स हैं, भाई ओपी स्किल्स हैं स्काई रियान की। और ये शायद फिनिश ऑफ, ओके पूरी स्क्वाड फिनिश कर दी है भाई ने क्रॉसबो से, यार कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा हो, नहीं तो फिर खेल तो सब है, क्या ही फ़ायदा है। क्रॉसबो से बंदे ने पूरी स्क्वाड फिनिश कर दी, ये बेस्ट मोमेंट है इस मैच का। बात की जाए टीम नंबर 24 के, मियाँ भाई बैठे हुए हैं, कैंपिंग लेवल हाई है इनका भी, बंदे स्पॉट करके चाह रहे हैं कि ओपन में आ जाए, नॉक हो जाए या फिर तो किल्स ही उठा सकें, क्योंकि सही स्ट्रैटी, अकेले बच्चे हैं बेचारे, सोलो से स्क्वाड ही खेल रहे हैं अकेले बच्चे के हैं।
और यहाँ पे टीम नंबर 8 ने पूरे पोचनकी खाली कर दिया मेरे हिसाब से शायद। और अब ये लोग भी यहाँ से भी निकल के बाकी प्लेयर्स को मारने के लिए जा रहे हैं। इनके टीम के सभी भी 10 हो चुके हैं अभी से ही। ये टीम बढ़िया खेल रही है और टीम नंबर 19 पहुँच चुकी है मिलिट्री बेस में, जिसकी लड़ाई अब हो सकती है टीम नंबर 5 से, क्योंकि टीम नंबर 5 के अब दो ही प्लेयर्स रिमेनिंग हैं। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डैमेज दोनों साइड से हुआ है एक दूसरे को। अब देखना होगी कौन सी टीम पहले रश करती है। वैसे इनके पास पूरे 4 बंदे हैं टीम नंबर 19 के पास, ये शायद रश कर सकते हैं इन पे। स्काई रिहान टीम भी लेते हुए यहाँ से, और नेड आया तो ये बाहर भागेंगे, बिल्कुल सही चीज़। AKM ले लिया इनने, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा इनके ज़्यादा ही हाई हो गया, तो अभी AKM पे आ गए। स्कॉर्सबुक सोच समझ गए, क्रॉसबुक पावर इतनी थी, और शायद मूड बन गया टीम नंबर 19 का, और ये रश कर रहे हैं अब। शैतान बापू ने देखा कि मेरे दो बंदे जा रहे हैं तो हम भी चलेंगे अब। तो यहाँ पर इनकी तरह से फुल रश हो चुका है तीनों प्लेयर्स का, तीनों प्लेयर साथ में जा रहे हैं कि एक नॉक हो तो दूसरा खेल लेगा। लेकिन इसका रियान को अभी तक तो नहीं मार पाया, तीनों ने स्प्रे दिया। अब देखते हैं इसका रियान कहेंगे, और ये दो को फुल ओपन था, और ये पूरी स्क्वाड ही फिनिश, क्या ही बात है। इसका रियान ने एक प्लेयर को नॉक किया था, लेकिन कहते हैं ना कि बंदे ज़्यादा थे टीम नंबर 19 पास, तो उनने ख़त्म कर दिया। लेकिन उनके भी दो बंदे नॉक हो गए टीम नंबर 19 के। और यहाँ पर टीम नंबर 10 के ऑर्थोडॉक्स यहाँ से फुल TPP पे हैं किल चोरी करने के लिए, लेकिन किल चोरी हो नहीं पाएंगे क्योंकि 5 बिल्डिंग के अंदर थी। अब देखना होगा कि क्या इन पर रश करेंगे, क्या ये स्पॉट कर पाते हैं बंदों को, या फिर ये स्पॉट होके पहले जाएंगे, वो तो थोड़ी देर पता चली जाएगा हम लोगों को। टीम नंबर 1 का भी एक प्लेयर अभी मिलिट्री के ही आसपास टहल रहा है, और यहाँ पर स्पॉट हो गए हैं ये टीम नंबर 19 के आते। यहाँ पे ये नॉक भी कर दिया इन्होंने बादशाह को, टीम नंबर 19 के बादशाह नॉक हो चुके हैं। यहाँ पे ये बग्गी के कवर में लेट प्रोन हो चुके हैं, देखेंगे। हाँ नेट करेंगे, लेकिन शायद नेट ना पहुँचे वहाँ तक, काफ़ी पास में नेट करा इनका, लेकिन थोड़ी हेल्थ खाई है जो। लेकिन अब टीम नंबर 19 का बंदा रिवाइव देगा, बाकी दो रश करेंगे। ये क्या भागने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं ब्रो, ये चीज़ नहीं काम आएगी, सामने पूरी स्क्वाड और तुम बग्गी, वो भी आधे टायर पंचर लेके बग्गी भागोगे। यहीं पर टीम नंबर 10 का काम खत्म। टीम नंबर 8 ने टीम नंबर 22 को स्पॉट कर लिया और डायरेक्ट स्लैमिंग कर दिया, और सक्सेस था AKM और नॉक। यहाँ पर शैतान अर्जुन नॉक होते हुए, अब यहाँ देखना पड़ेगा बाकी टीम क्या कैसे रिजल्ट देती है, क्या प्लानिंग करती है। और बाकी ओपन में फाइट, और ये भी नॉक, शैतान जीत के नॉक, शैतान देव का स्प्रे और वो भी नॉक। योलो रिबल का भी अच्छा खेलते हुए यहाँ पे, और यहाँ पे गॉडेस लेजेंड ने पूरा फिनिश ही कर दिया है, पूरी स्क्वाड फिनिश हो चुकी है। गॉडेस लेजेंड भी नॉक हो गए हैं, काफ़ी अच्छा कवर आता हुआ गॉडेस लेजेंड के लिए, नहीं तो वे फिनिश ऑफ हो सकते थे। तो बहुत ही अच्छा टीम वर्क दिखाते रही यहाँ पे टीम नंबर 8, और पूरी शैतान की टीम को ख़त्म कर दिया है, क्योंकि शैतान की टीम शैतानी नहीं दिखा पाई यहाँ पे। अब देखना पड़ेगा क्योंकि, और ये क्या किल फील्ड में ये बंदे मर रहे हैं, और इन्होंने ये देखिए साइलेंट वाला इमोट करते हुए रवीश ठाकुर ने 1v4 कर दिया यहाँ पे शैतान की दूसरी टीम के साथ, जो कि बहुत ही लेजेंडरी मूवमेंट होता, लेकिन हम लोग देख नहीं पाए क्योंकि हम लोग उधर वाली शैतान क्रैंक से, दोनों की टीम लड़ाई एक साथ हुई है, और यहाँ पे 1v4 जो किया है बॉस खतरनाक ही होगा, लेकिन सही है। और साइलेंट वाला इमोट करके चुनौती जैसी दे दी है, मतलब इनसे थोड़ा होशियार रहना पड़ेगा अगले मैच में भी शैतान वालों को। लेजी डे यहाँ पे काफ़ी लेजी हैं, तो थोड़े शैक में आराम कर रहे हैं। और नंबर 8 टीम वैसे हमेशा की तरह बंदों को ढूंढती हुई, ताकि उन रिमेनिंग 2 प्लेयर्स को भी ख़त्म कर पाएं ये लोग, और शॉट्स मारते जा रहे हैं ताकि जो बंदा हो जरा सा शॉट ले और उनको घुस के मारा जाए, यही स्ट्रेटजी है नंबर 8 की। तो और यहाँ पे लेजी डे पैदल दौड़ते हुए, और नंबर 8 की टीम आ रही है इनके पीछे डार्सिया लेके। अब देखना होगा क्या ये प्रोन हो गए, जी प्रोन हो गए, अब देखते स्पॉट होते कि नहीं, और शायद स्पॉट भी हो गए क्योंकि ये पेड़ के साइड से मजे ले रहे थे, और यहाँ फिनिश ऑफ ही होंगे क्योंकि बचने की तो इनके कोई चांसेस ही नहीं, काफ़ी लेजी है ये जीनेस, जी हाँ लेजीनेस इनकी ख़त्म होती है यहाँ पे, और बंदा फिनिश होता हुआ। और यहाँ पे टीम नंबर 8 को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि क्योंकि रवीश ठाकुर ढूंढना होगा यहाँ पे, यहाँ पे भी 1v4 कर दिया है, तो ये लेजेंडरी मोमेंट हो सकता है रवीश ठाकुर के लिए।
शायद स्पॉट नहीं हुए, लेकिन सोल जिग्स ने सकता स्पॉट कर लिया क्योंकि वो चलती गाड़ी से कूद गए हैं और भाग पड़े हैं इनकी तरफ। लेकिन फर्स्ट एड पहले लगाएंगे वो ज़रूरी है। और यहाँ पर बाकी बंदों ने भी स्पॉट कर लिया, गाड़ी रोक के रश होएगा क्योंकि दो साइड से रश है तो बहुत मुश्किल है बचना, जैसा कि मैंने कहा था। यहाँ पर मैच ख़त्म होता हुआ, विनर 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 चिकन डिनर टीम नंबर 8 के हाथों लगता हुआ, जिनके किल्स रहे हैं 8, 6, 14, 2, 16 किल्स किए हैं, बहुत ही बढ़िया। लेकिन अगर यही किल्स किसी एक प्लेयर ने किए होते तो उनको कैश प्राइज मिल सकता था। तो अगली बात से आप लोग याद रखें,